हमास को लेकर लगातार कह रहे हैं कि हमास के साथ गलत हो रहा है, आपका नजरिया क्या है? अब जब कुरान ही कह रहा है कि हजरत इब्राहिम ने बुतों को तोड़ा था, अब जब कुरान ही कह रहा है कि प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा था कि अगर कोई यहूदी धर्म परिवर्तन ना करे, इस्लाम कबूल ना करे, तो उसका सर कर सकते हो, तो जब ये ऑर्डर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था, तो वही फिलिस्तीन और हमास कर रहा है, तो खुद कह रहा है कि तेरा इस्लाम बहुत कमजोर है। सनातनी तो कभी नहीं कहते कि मेरा धर्म खतरे में, क्रिश्चियन तो कभी नहीं कहते कि मेरा धर्म खतरे में, यहूदी तो कभी नहीं कहते कि मेरा धर्म खतरे में, पारसी तो कभी नहीं कहते कि मेरा धर्म खतरे में, तो इस्लाम ही सिर्फ क्यों खतरे में आता है? क्या वजह है जो इस्लाम खतरे में आता है? और क्या वजह है कि जब कुरान के अंदर की सच्चाई कोई बोलता है तो उसके लिए गुस्ताखे रसूल की सजा निकल जाती है? क्या वजह है? आज मैं पूछना चाहती हूँ कि अगर गुस्ताखे रसूल की सजा हो सकती है तो अपमाने राम की सजा क्यों नहीं हो सकती है? अपमाने भगवान की सजा क्यों नहीं हो सकती है? अपमाने सनातन धर्म की सजा क्यों नहीं हो सकती है? हर बार कोई बाबर आएगा और राजपूतों का गला काटेगा, हर बार कोई औरंगजेब आएगा मंदिरों को तोड़ेगा और सनातनी चुप रहेंगे कब तक? आज जब इसराइल की बहु बेटियों को नंगा करके न्यूड परेड कराया जा रहा है, आज जब इसराइल की बहु बेटियों के साथ बलात्कार किया जा रहा है, आज जब इसराइल की बहु बेटियों को और बच्चियों को ये नहीं देखा जा रहा है कि वो 6 साल की है कि 5 साल की है, उसकी आबरू से खेला जा रहा है, वो भी अल्लाह अकबर के नारे के साथ, तो भी ये फिलिस्तीन के सपोर्ट में है। अब आप सोचिए कि इनका शैतानी दिमाग कितना खराब है कि एक तरफ भारत में लड़ रहा है असदुद्दीन ओवैसी कि हिजाब पहनाओ हिजाब पहनाओ, और दूसरी तरफ लड़ रहा है कि फिलिस्तीन को और हमास को सपोर्ट करो क्योंकि उसने अल्लाह अकबर के नारे पर उतारा है कपड़ा। इस वक्त जो पॉलिटिकल सिस्टम है इंडिया अगर तक देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जबरदस्त है या बन चुकी है उस एरिया की, उसमें तो अब सूरत हाल तो ये है कि ये जितने लोग यहूदी यहाँ पे आबाद है, ये इन्होंने यहाँ पे जो आबादी इख्तियार की है, मैंने पूरी हिस्ट्री भी बताई है किस तरीके से ये लोग आए हैं। बिल्कुल, इस वक्त प्रैक्टिकली ग्राउंड रियलिटीज ये है कि ये लोग इसराइल में जो लोग आबाद है उन्होंने वो जगह मुसलमानों से प्रैक्टिकली खरीदी हुई है, यानी ये आसमाना मामला नहीं है, उन्होंने खरीदी है। रह गया जो उन्होंने हुकूमती मामला में जो मुसलमानों के साथ धोखादेही की और मुसलमान भी उनसे शिकस्त खा गए, वक्त के साथ साथ उन्होंने जो जुल्म का बाजार गर्म किया यहाँ पे और आम रहते फिलिस्तीनियों को उन्होंने इस वक्त प्रैक्टिकली जुल्म की चक्की में पीसा हुआ है और उनसे बेसिक राइट्स उनके ले लिए हैं, और ये तो वो चीजें हैं जिनके ऊपर जो है नो में बकायदा करारदादे मौजूद है। तो अब इस वक्त हमारे लिए विन विन सिचुएशन सिर्फ यही हो सकती है कि किसी सूरत जो टू स्टेट का कॉन्सेप्ट है उसी को हम किसी तरीके से एस्टैब्लिश कर लें। बिल्कुल सही, दुनिया तो अब इस तरफ जा रही है कि इसराइल चूंकि आपको पता है ताकतवर है, उसके पीछे अमेरिका पूरी दुनिया खड़ी हुई है, वो तो फिलिस्तीन को बिल्कुल सफ़ेद हस्ती से मिटाने के लिए तैयार बैठे हैं। एज ए लास्ट रिजॉर्ट तो फिल वक्त इस बात के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए कि एटलीस्ट वहां के जो मुसलमान है उनको किसी तरीके से जुल्म की चक्की से निकाले और टू स्टेट वाला जो मामला है जो हमारे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने भी बात की, जो पाकिस्तान की पॉलिसी भी है, या प्रैक्टिकली यहूदी एक रियलिटी है उनसे तो इनकार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, कम से कम मुसलमान वहाँ पे इंडिपेंडेंट स्टेट किसी तरीके से हासिल कर रह सके। इसी तरीके से कि मुझे ये बताएं कि यहाँ सब कॉन्टिनेंट के ऊपर 300 साल तक हुकूमत की है मुसलमानों ने, इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश ये तीनों मुल्क मुसलमानों के अंडर थे, मुगलों के अंडर थे, मैं खुद मुगल हूँ। तो अब मुझे बताएं जब अंग्रेजों ने हमारे ऊपर कब्जा कर लिया तो उस वक्त जब हमने अंग्रेजों से आजादी हासिल की तो हमने टू स्टेट्स की बुनियाद के ऊपर की, यहाँ पर दो कौमें आबाद हैं, दो रियासतें बननी चाहिए। बिल्कुल ऐसे। उस वक्त मुसलमानों ने या मुसलमानों के लीडर्स ने ये डिमांड नहीं रखी है कि जो कि 300 साल तक हमने हुकूमत की थी लिहाजा ये सब कॉन्टिनेंट जाते हुए अंग्रेज जो है हमारे वाले करके ये तो हो नहीं सकता था। बिल्कुल, वरना तो फिर हिंदू ये क्लेम करते हैं कि मुसलमानों ने जो 300 साल तक हुकूमत की है ये इन्होंने हमसे हुकूमत छीनी थी, तो हुकूमत तो हमारे वाले होनी चाहिए। तो अल्टीमेटली ग्राउंड रियलिटीज को एक्सेप्ट किया हमारे बड़ों ने और दो रियासतें कायम होगी पाकिस्तान और इंडिया, ये नहीं हुआ। हालांकि अंग्रेजों ने हुकूमत मुगलों से ली थी लेकिन हवाले वो मुसलमानों के नहीं करके गए और ना मुसलमानों की डिमांड थी कि हमारे हवाले करें, उन्होंने कहा ठीक है दो कौमें आबाद है दोनों को अपना अपना मुल्क मिल जाए। तो ग्राउंड रियलिटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने एक पॉलिटिकल डिसीजन की बात की थी, और अगर हमने अपनी खाम ख्याली में रहना है और हवाई बातें करनी है और मुसलमानों को जज्बाती डॉक्टर में रखना है तो वो बातें मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं चूंकि प्रैक्टिकल फील्ड का बंदा हूं मुझे पता है कि प्रैक्टिकली क्या चीज हो सकती है क्या नहीं हो सकती है। हाँ बता, मुसलमानों का खून जमा करवाने के लिए अगर मैंने थ्रेटिकली को बातें करनी है तो मेरे अंदर इतना यानी हिम्मत नहीं है कि मैं पक्का समूह बना के तो झूठ के ऊपर इतनी बड़ी बुनियाद खड़ी कर दूं और लोगों को खाम खा के उम्मीदें दिलाऊं, तो ये मेरे लिए तो पॉसिबल है। सही बात, इसके लिए कोई और प्लेटफॉर्म ही देखें। सही, ठीक हो गया। अपना सेकंड क्वेश्चन कर लें। यहां पे आगे कोई अगर गलत एक्टिविटी परफॉर्म करता है ना तो वो मेरे से उसका कोई लेना देना नहीं है क्योंकि हम तो कोल्ड वार कर रहे हैं, ये इंतजामिया के इश्यूज है। अगर एम्बैरेसमेंट होगी वो उनकी होगी, हमारी कोई नहीं। मेरे भाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अगर कोई बंदा गाली गलौज करता है या नबी इस्लाम की मुबारक जिंदगी में आपको पत्थर मारकर लहू लुहान किया गया ताइफ के अंदर, तो ये कोई एम्बैरेसमेंट वाली बात है मुझे बताएं? नहीं। आज जो बादशाह दुनिया में 2 अरब के करीब लोग, अब जो नया फिगर आया उनके दिलों पर उस शख्स की है जिसकी कब्र मदीने में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज अबू जाल को कोई नहीं जानता भाई, अगर जानता है तो मेरे नबी की निस्बत की वजह से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, मुझे अपने उस्ताद डॉक्टर इसार साहब की बात जो मैं सिर्फ अपने करीबी दोस्तों को बताता था, अब मैं पब्लिकली भी आपको बताता हूं, वो याद आई। वो अक्सर अपनी वीडियोस में कहा करते थे कि जो शख्स भी रसूलुल्लाह के पैटर्न पे दावत शुरू करेगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्मे नबूवत की बरकत से उनका पैगाम उनकी उम्मत तक पहुंचाएगा, उस शख्स को उन तमाम हालातों वाकया से गुजरना पड़ेगा जिनसे रसूलुल्लाह को गुजरना पड़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
अगर उस वक्त अब्दुल्ला इब्ने उबई मुनाफिक था ना, तो हमारी इस दावत में भी अब्दुल्ला इब्ने उबई की तरह के मुनाफिकीन आएंगे। फर्क सिर्फ यह है कि हमें चुके वही की तायद हासिल नहीं, हम किसी को मुनाफिक नहीं कहेंगे, हम मुसलमान इसे कंसिडर करेंगे, मर जाएंगे, जनाजा भी पड़ेंगे, दुआ भी करेंगे उनके लिए। अगर रसूलुल्लाह के मुकाबले पे अबू जहल था, हमारे मुकाबले पे भी अबू जहल आएंगे। अगर रसूलुल्लाह के साथियों में दिलेर लोग थे, हमारे स्टूडेंट्स में भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्मे नबूवत के मुजाहिद दिलेर मौजूद होंगे। अगर वहां पे कोई कमजोर लोग थे तो यहां पे भी मौजूद होंगे। वो सारे के सारे हालात वाकयात वो आपको यहां पे नजर आएंगे। मैं तो प्रैक्टिकली वो सारी की सारी दावत जो है ना, वो उमर सीरीज में जो उन्होंने फिल्माई है, मैं वो एंजॉय कर रहा हूं। मैं पिन पॉइंट भी कर सकता हूं कि हमारी इस दावत में अब्दुल्लाह इब्ने उबई कौन है, अबू जहल कौन है, लेकिन पर्सनल होने की जरूरत नहीं। एंजॉय करें इन चीजों को और अल्लाह का शुक्र अदा करें कि सदियों से हमारे अबाउजदाद को इन लोगों ने जिस गुमराही में रखा, बिल्कुल ठीक, वो तो बेचारे जहां गए या गए, आप लोग बच गए। जिस तरह वो आपको पता है, जब नबी अलैहिस्सलाम मक्के में दाखिल हुए तो हजरत अबू सुफियान रजी अल्लाह तआला अन्हु की जो बीवी थी हिंद रजी अल्लाह तआला अन्हा, मुसलमान होगी साहबी हैं, तो उन्होंने किस तरह वो बुत गिराए और फिर वो रोई। जी तो नाजरीन, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको अली भाई के जवाब अच्छे लगे होंगे। अली भाई ने बड़े ही अच्छे तरीके से, बड़ी खूबसूरती से जवाब दिए। तो वीडियो के स्टार्ट में हमने एक वीडियो देखी जो कि एक हिंदू लड़की की है, और आप वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे वो मुसलमानों को बुरा भला कह रही है और वो कैसे खास तौर पर फलस्तीनी मुसलमानों के बारे में बकवास कर रही है, खास तौर पर हमास के लिए। क्योंकि कुछ दिन पहले आप लोगों को मालूम है कि हमास ने पहले इसराइल पर कब्जा करने की कोशिश की, उन पर अटैक करने की कोशिश की, लेकिन रिएक्शन में फलस्तीनियों पर इसराइल की जानब से बमबारी शुरू हो गई। लेकिन वहीं पर बहुत से लोगों का कहना है कि हमास के लोगों ने बहुत सी ऐसी इसराइली औरतों को पकड़ा और फिर उनके नौज बिल्ला कपड़े उतार दिए और फिर उनसे मुख्तलिफ किस्म के काम करवाए गए, अस्तगफिरुल्लाह, जो कि ये एक बिल्कुल झूठी खबर है और ये मुसलमानों को और फलस्तीन को बदनाम करने की कोशिश है। तो आप देख सकते हैं कि वो बार बार मुसलमानों पर भी अटैक कर रही थी, इस्लाम पर भी अटैक कर रही थी और मुसलमानों के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी अटैक कर रही थी। तो आप लोग उस लड़की के बारे में क्या कहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। उसके बाद हमने अली भाई की वीडियो देखी जिसमें अली भाई ने हमें बताया कि फलस्तीन और इसराइल की जो जंग जारी है उसका आखिरी सोल्यूशन क्या है और वो कैसे इख्तिताम पर पहुँच सकती है। अली भाई ने कुरान और हदीस के ज़रिए और जो उन्होंने दूसरे ममालिक में देखा उसके अकॉर्डिंग बता दिया कि टू स्टेट्स होनी चाहिए, मुसलमानों के लिए अलग रियासत होनी चाहिए और वहाँ के जो यहूदी हैं उनके लिए अलग रियासत होनी चाहिए, तभी ये जंग ख़त्म होगी, वरना ये जंग क़यामत तक जारी रहेगी। क्योंकि ना ज्यूज़ अपने हक के लिए पीछे हटेंगे और ना मुसलमान अपने हक के लिए जो उनसे छीना गया है उसको वापस जाने देंगे। तो आप लोगों को अली भाई की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो आप लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस्लाम को दूसरों तक पहुँचाने में हमारा साथ दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।